Hello everyone, so today we are going to start with the second exercise of chapter number 11. So the questions are as follows. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. और पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 और साथ में है डिवाइड बाय y प्लस 4. तो आप सबसे पहले तो ये ऐसा लिखेंगे, ये साइन बनाएंगे सबसे पहले, जो भी लेफ्ट साइड पे है डिवीजन साइन के उसे अंदर ले लेंगे और जो राइट साइड पे है उसे बाहर ले लेंगे. तो आई होप सबको पहला स्टेप समझ गया है. आपको ऐसा सिंबल बनाना है डिवाइड जैसे करते हैं वैसा, और आपको जो भी डिवीजन साइन के लेफ्ट पे है उसे यहाँ पे अंदर लिखना है और जो डिवीजन साइन के राइट पे है उसे बाहर लिखना है. उसके बाद फर्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिए. आप यहाँ का पहला टर्म और यहाँ का पहला टर्म इसे डिवाइड कर देंगे तो वाई स्क्वायर को अगर वाई से डिवाइड किया जाता है तो क्या बचेगा, वाई बचेगा, करेक्ट. तो यहाँ पे मिल गया वाई, क्योंकि ये हो जाएगा वाई इंटू वाई, ऊपर का एक वाई और नीचे का एक वाई कट, तो हमारे पास वाई बचेगा. तो ये जो वाई मिला है अब हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे और जो चीज मिला है y उसको जो राइट साइड पे था उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये सब आपको राइट साइड पे करना है और ये सब आपको लेफ्ट साइड पे करना है. तो ये हो जाएगा y इंटू वाई हो गया y का स्क्वायर और y इंटू फोर हो गया 4y. तो ये जो वाई स्क्वायर प्लस 4y मिला है आप इसे यहाँ पे कॉपी करेंगे जैसा इन्होंने किया है. तो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूं पूरा सम. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये साइन बनाया और अंदर लिखा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 4, सॉरी प्लस 24, और बाहर लिखेंगे y प्लस 4. यहां पे लिख लिया 24 और यहां पे लिखेंगे y प्लस 4. अब जैसा ये स्टेप किया था, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म करके आंसर मिला y, तो इसे आप ऊपर लिख लेंगे y और फिर ये जो चीज y था उसे ये चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो y इंटू y होता है वाई स्क्वायर और वाई इंटू फोर होता है 4y. तो यहां पे लिखेंगे जो यहां पे मिला है आंसर, वाई स्क्वायर प्लस 4y. तो ये हमने लिख लिया यहां पे वाई स्क्वायर प्लस 4y और यहां पे ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे. हर बार यहां पे माइनस साइन ही आएगा और यहां पे जो भी साइन है आगे वो साइन चेंज कर देना है. तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 10y माइनस 4y, तो ये हो गया 6y. और अब ये 24 नीचे लिख के आते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस 24. ये साइन जैसा है वैसा का वैसा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो एज इट इज नीचे ड्रॉप कर देना है. अब हमारे पास है इसका पहला टर्म है 6y, तो अब हम 6y को ऊपर लिखेंगे रफ में और डिवाइड बाय करेंगे इसका पहला टर्म जो कि है y. तो y और y कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 6. तो यहां पे हम लिख लेंगे, अगर कोई भी साइन नहीं बच रहा है तो प्लस साइन देंगे, नहीं तो फिर अगर माइनस साइन बच रहा है तो यहां पे माइनस 6 लिख देते. ओके, सो ये हमें 6 मिल गया, हमने यहाँ पे लिख लिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो मिला है जैसे पिछली बार y मिला था तो y प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो इस बार 6 मिला है तो 6 जो है वो y प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो आंसर मिलेगा 6y प्लस 24. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 6y प्लस 24 और यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ 6y प्लस 24.
तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूं तो यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और ये दोनों कट होके नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए नीचे बचा है जीरो। तो रिमाइंडर हो गया जीरो और क्वेश्चन हो गया वाई प्लस सिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीटली किया हुआ है वही चीज, मैंने आपको सिर्फ डिटेल में बता दिया कि करने का कैसा। तो लेट मी रिपीट द सम फॉर यू। सबसे पहले जो यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे कॉपी कर लिया और जो राइट साइड पे दिया है वो यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ का पहला टर्म और यहाँ का पहला टर्म ऐसे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा वाई। तो ये जो वाई है वो डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर मिला है वो यहाँ पे कॉपी करेंगे। फिर माइनस साइन लगा दिया दोनों जगह पे क्योंकि ऊपर दोनों जगह पे प्लस था, तो साइन चेंज करके रखते हैं यहाँ पे। तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा और 10y माइनस 4y जो है वो 6y हो जाएगा। ये जो +24 है वो नीचे लेके आए। अब इसका पहला टर्म और ये जो पहला टर्म है तो 6y डिवाइड बाय वाई तो 6 मिलेगा। तो 6 जो है वापस वाई प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6y प्लस 6 × 4 = 24। तो 6y प्लस 24 कॉपी किया, वापस दोनों प्लस है इसलिए दोनों जगह पे माइनस लगा दिया। 6y माइनस 6y 0, 24 माइनस 24 0। तो इसका मतलब ये जो है वो क्वोशेंट है y प्लस 6 और ये जो है वो डिवाइजर है 0। तो आई होप दिस सम इज क्लियर। तो ये फर्स्ट सम था इसलिए एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड सम। सेकेंड सम है पी स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइड बाई पी प्लस 3। तो ये जो चीज है यहाँ पे कॉपी किया और पी प्लस 3 जो है वो यहाँ पे कॉपी किया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ का फर्स्ट टर्म और यहाँ का फर्स्ट टर्म तो पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी करेंगे तो आपको मिलेगा पी। करेक्ट, पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी करेंगे तो मिलता है पी और पी जो है वो क्वोशेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी डिवाइजर से। तो पी जो है वो पी प्लस 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 3p। पी इंटू पी हो जाएगा पी स्क्वायर और पी इंटू 3 हो जाएगा 3p। तो ये यहाँ पे लिख लिया, दोनों प्लस है इसलिए यहाँ पे दोनों माइनस, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कट और 7p माइनस 3p करेंगे तो 4p मिलेगा। और ये माइनस 5 नीचे उतर दिया। अब 4p माइनस 5 का फर्स्ट टर्म है 4p और ये है p। तो 4p डिवाइड बाय p करेंगे, 4p डिवाइड बाय पी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह का पी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 4। तो यहाँ पे लिख लिया प्लस 4 और अब ये जो 4 है वो पी प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे पिछली बार पी मल्टीप्लाई हुआ था। तो 4 ब्रैकेट में पी प्लस 3 तो आंसर आ जाएगा 4p प्लस 12। तो आंसर है 4p प्लस 12, 4 3 हो गया 12। तो ये जो 4p प्लस 12 नीचे आ गया तो माइनस और माइनस, तो 4b 4p कट और माइनस 5 माइनस 12 ये हो गया -17। दोनों नेगेटिव है ना, और माइनस माइनस हम ऐड करते हैं, साइन माइनस रखते हैं तो -5 -12 मिलेगा -17। तो क्वेश्चन है पी प्लस 4, तो यहाँ पे गलती से 6 लिखा है, पी प्लस 4 आएगा और रिमाइंडर है -17। तो आई होप आपको समझा है। पिछली बार क्या हो रहा था, 24 -24 तो 0 हो रहा था, अब हो जाएगा -5 और -12 जो कि है -17। तो क्वेश्चन है पी प्लस 4, रिमाइंडर है -17। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। वी विल सॉल्व दिस सम इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू।